तो जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ उज्जैन के अंदर, और जहाँ पे यानी कि यार राजदीप मंडलोई गैंग के बंदे यार दुर्लभ केशव की भाई मतलब कि छोटे मतलब चाहे दोनों बेटर था वो तो फैन वगैरह होंगे, उनसे अपन बात करने वाला है, उनसे इंटरव्यू लेने वाला। तो बंदर जी के वीडियो के अंदर चल पे चल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो भैया आओ ना आपसे बात करने। क्या कुछ कर रहे हो भैया? चाय वगैरह भी व्यस्त अंडे वंडे सब चलते हैं हमारे भैया है। ये आपको भैया, ये भैया काम पे जाते हैं, ये काम पे जाते हैं। तो तुम चार दोस्त ही हो? हाँ जी भैया। उम्र कितनी है भैया आपकी? 14 साल। और भी आपके? 17। 17 भैया आपकी? 15। आपकी भैया? 18। नाम तो भाई लोगों यार आप मतलब स्कूल पढ़ते हो या चाय की टपरी संभालते हो? चाय की टपरी संभालते हैं। चाय टपरी पढ़ के स्कूल छोड़ दिया? स्कूल सब छोड़ दी। क्यों भैया इतने जल्दी छोड़ दिया? आपकी उम्र अभी तो कम है जैसे। घर पे प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए। अच्छा प्रॉब्लम थी इसलिए ना। बाकी ये थोड़ा ये गम चमचा लगा था मतलब दुल्लभ भाई का फैन। क्या बात कर रहे हो भाई? दुल्लभ भाई का फैन है भाई छोटा। अरे क्या बात है, सबसे छोटा मतलब यार 14 साल की उम्र है ना? 14 साल की उम्र है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम बिट्टू। बिट्टू नाम है, क्या बात है बिट्टू भैया। तो गाइस आप देख सकते हो बाकी चारों भाई मतलब आप ये वाले भैया काम पे जाते हैं, बाकी आप तीनों भाई इसी तफरी में। मैं स्कूल जाता हूं। आप स्कूल जाते हो? हाँ। बाकी दोनों भाई ने स्कूल दोनों भाई तफरी संभालते हैं। अच्छा बाकी यार इस भैया ने दुर्लभ भाई का पूरा लुक निकाल लगा भैया, देखो छोटे छोटे बाल है। हाँ यार भैया बाकी एक कमरे है यार, टीका नहीं लगाया आपने यार? हाँ यार भैया टिका नहीं लगा तो यार लगा। बाकी पेंट भी भैया की बहुत जोरदार है गाइस, देख सकते हो बिल्कुल कटवा ली है। एक बात तो है आपको याद आती है दुर्लभ की? नहीं आती है? बिल्कुल आती है भैया, आते हमारे बड़े भैया। तो यार भैया अभी वो सलमान दादा का लफड़ा हो गया था क्या? सलमान दादा का लफड़ा हो गया था। अच्छा हाँ वो इधर से आए थे ना यार, वो सामने से भाग के ना सामने से पुलिस वाले इधर से पकड़े थे उसको ना। गैंगस्टर इलाका है, बहुत बड़ा गैंगस्टर यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो होती रहती बहुत लफड़ा होता रहता है। हेलो तो ये इनको आज गैंगस्टर फोन आया है? हाँ गैंगस्टर छोटे भाई सुपारी लेने। हाँ सुपारी है उनके पास फोन आया, जैसे मतलब कि यहाँ पे कोई भी निकलता रहता मतलब गैंगस्टर आवारा वैसे ऐसे ही निकलता हमारी टपरी पे सर, गैंगस्टर आवारा वगैरह ही आता ऐसे ही आता है मतलब जैसे कि आपको पैसे वगैरह टाइम पे दे देता है या नहीं देता? अपन को तो टाइम पे देता है, अपना सिक्का चलता है इधर कोटा। अच्छा तुम्हारा भी चलता है जैसे इन भाई का एक होलिया भी दुर्लभ जैसे, ये तो मतलब नाम चलता है इस तरफ है ना? हाँ अपना नाम चलता है। अच्छा अच्छा भैया। अरे तो बाकी यार भैया देखो जैसे कि हर कोई आता रहता है मतलब कि, और आपकी दुकान आप कितने बजे बंद कर देते हो? 8 बजे। 8 बजे बंद कर देते हो? 8 बजे बंद करके निकल जाते हो आप? लेट तक कितने लगते हो भैया? लेट तक हम सुबह 4 बजे खोलते हैं। 4 बजे खोलते हो? तो मतलब 4 बजे यहाँ पर सब छोरों छोरों की लाइन लगी रहती है। अच्छा तुम्हारे मतलब दोस्त वगैरह वही आते होंगे तो फिर चले जाते हैं सभी है ना? तो मतलब 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुली रखता हूँ बिल्कुल। ये कौन आ गया? ये भी हमारा टीम का बंदा है। ये भी हमारा टीम का बंदा, ये हमारी टीम का बंदा है। अच्छा अच्छा ये आपकी टीम का है क्या? ये हमारी टीम का। और ये क्या हाल है? ये श्री माकल इन्होंने बाल बहुत लंबे कर रखे हैं। दोने ये भी हैं? दोने क्या? दोने ये भी हैं। बहुत बड़ा डाउन कर रहा है इसके हाइट पे मत जाना भैया, बहुत बड़ा गैंगस्टर है ये। वो आंटी जी दुर्लभ कश्यप के बहुत बड़े फैन है, अपन भी कश्यप है। अच्छा आप भी कश्यप हो? तो ये भैया ने चेन सोने की पहन रखी है नकली? नहीं भैया 20,000 की है ना, इसकी माँ ने बनवाई है। अच्छा इसकी माँ इनका सिक्का चलता है अभी। लूटपाट भी करते हो क्या आप? ये अपने ये छोड़ा है। अच्छा अच्छा इधर ही लूटपाट है, यही पे लूटपाट। अच्छा पास में है ना, बहुत बड़ी रूट पर पब्लिक पे डाल देना पूरा अपना। ये पूरी बिल्डिंग आपकी है ना? अपनी। हाँ। नंबर वंबर मतलब? नहीं नंबर वंबर तो नहीं है, बाकी बिल्डिंग जोरदार बनाई लगा आप लोगों ने यार। मतलब यहाँ पे मतलब ये भाई शुरू से मेहनत करता है यार? नहीं बचपन से मेहनत करता है। कितने साल की उम्र से करता हूँ भाई? मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 10 साल की उम्र से। क्या बात कर रहे हो, 10 साल? 10 साल की उम्र से। तो स्कूल कहाँ तक पढ़ी थी भाई आपने? मैंने स्कूल पढ़ी है 8th क्लास से। 8th क्लास से पढ़ी है ना, तो आगे मतलब स्कूल पढ़ते थे और मतलब काम भी करते थे आप? हाँ। है ना मतलब तो, पार्ट टाइम जॉब और बाकी टाइम स्कूल। अच्छा तो ये वाला भाई क्या करते हैं? भैया गोदाम पे करते हैं। रात का 2 बज रहा है, मैं ट्रेन की पटरी तो गुजर रहा हूँ,
सभी उसको जानते हैं क्योंकि उसका नाम बड़ा खतरनाक बोलेगी भैया श्री माँ का।